कि जबरील मशवरा देख रहा है कि अल्लाह भी कहता है कि नबी काम करे। अल कासिम हबीबुल्ला मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम काम करने लगे, अल्लाह क्या काम करूं, और मैं काम ये है कि तुम जिर्रा बनाया करो लोहे की, और लोहे की जिर्रा मौला वो तो बड़ा सख्त काम है। अल्लाह ने कहा लोहा आपके लिए नरम कर दिया। अच्छा फिर नबियों में हबस नहीं है, हम तो माल का हबस ना आपको मुत्ता का सुरक्षा जुर्तमुल मुकाबिर, हम तो कुरान कहता है ना कि माल के बड़े लालची हैं हरीस, इतना कि कब्रों की ज्यादत भी कर ले तो हमें लालच नहीं खत्म होता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम एक जिर्रा बनाई, बोलो कितनी, और 6000 इस तौर का बनता वो बेची, एक जिर्रा बेची, 6000 कमाया, 3000 लोगों में अल्लाह के लिए तकसीम कर दिया। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां दे कुल माल नहीं होंगे, इत्थे उत्थे दई जहानी सखी कभी कंगाल नहीं होंगे, 3000 लोगों में तकसीम कर दिया। ते असी जे अल्लाह दा देव ला भी लईए, चने पा लो, चने नहीं पाते, चने वाली देख के सस नूं कुआ हां जे कुड़ी नाल नाल जाए मेरा नाल ओदे वास्ते टिक्का बोटी मलाई बोटी शवारमा बर्गर बारबी क्यों मठियाईयां हैं किन्नियां डिशां भाजी इंजी है ना। तुहानूं वी मैं कहांगा मेरी सेवा इंजी अज करिया जिवें सस दी कर, सिद्धियां गल्लां मेरे को खरियां होंदियां ने। जदों धोतियां ते पग्गां दा रवाज हुंदा सी, इस्तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी, कतल किसे नूं नहीं किसे दा नहीं माफ हुंदा सी, तगड़े मारे दे खून दा हिसाब हुंदा सी, उदों लख भावे काफरां दा राज हुंदा सी, जदों जज नूं जमाला ते सराज हुंदा सी, उदों निर्वाचन एस आर इक नाल इंसाफ हुंदा सी, ऊंच नीच नहीं सी हुंदी। हम बीवी पे इंसाफ नहीं दे सकते, जहां तक सेब मारी भी अपनी लिया के रखो, हम बीवी का हिस्सा बीवी को दे। अच्छा कई बंदे बहुत सीधे होंगे ना, सारे बुरी फरा देने मुड़ के सिपटा भी वो मांगते, कई किराया भी वो लैके आते हैं, ऐ किराया देना नहीं, इतना भी सीधा नहीं होना, उसके उसको दे दो शुभान, तुम सारे भी फराने मेरा चाहू सियाू है। जिन्हें बैठे आप भी सोच ले, तो अपने पास भी रखने, माँ बाप को भी देने, बीवी बच्चों को भी देने, मगर साडा उल्ट रिवाज है, असि कहने घूमत साडे करो वे भाई, बीवी आपके जिस्म का हिस्सा है, आप उसका लिबास। अच्छा भी लिबास आपने कितना प्यारा पहना है, आपकी खास है ना, ये मैं हूं, ये मेरे चंद है, और ये मेरी खास है कि आप सारे जज बन जाए कहीं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने इधर आना इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। आप लोग ही इस कौम के मेहमान है, आने वाले जितने बैठे हैं वकला बरादरी और जैसे साहबान, अल्लाह मुनसिफ साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करके रिटायर करे, मैं तो दुआ कर सकता हूँ आप सबके लिए, जितने और साथी जैसे साहबान बैठे हैं, अल्लाह इनको जज नबी मौलवी को दुआ ही होंगी ऐसे को दुआ ही दे सकते हैं है? दुआ फकीरा तरहम अल्लाह। ये मैं प्यार से आपको समझा रहा था बात कि आपने लिबास के ऊपर कभी गंदगी फेंकने दी किसी को, नहीं ना दी, लिबास है ना आपका, कभी आपने डस्ट नहीं ऊपर पड़ने दी किसी को, कोई थाना फेंके है तेरे पर कोई है तो चले मिट्टी फड़ के तुम लड़ते हो, नहीं क्यों भी मेरे तो फुटे खे सुटी मिट्टी तो सुटी। बीवी भी आपका लिबास है, बीवी के लिए खावन लिबास, पर इतने जिन्हों पूछ लिए तो उनकी मसला है, तो हाँ मौलवी जी चुप्पी करो, मेरा ही हौसला इतना बसन दे, इतने तो बुढ़िया किताबा लिखती हैं। मैं रेहान खान के बारे में मजम्मत की थी कि आपने अपने खानों के बारे में किताब लिख के इस्लाम को तंकीद का निशाना बनवाया, इस्लाम तो ये दावत नहीं देता, इस्लाम कहता है कि मियां के राज बीवी के पास है, बीवी के राज के पास है, ये दोनों एक दूसरे के बारे में बाहर जबान नहीं खोल सकते, ये शरीयत है। किसी भी इंसान को अपने घरेलू मामला की बात ना शेयर करनी चाहिए और ना पूछनी चाहिए, हम पूछते हैं घरेलू बातें पूछते हैं, वो कोई नहीं जी साढ़े ताड़ा की पड़ता है, भाई शरीयत ने बोला है कल तेरा लड़ पवे मुड़के सारे सादका बानू दसे, ये पर्दे वाली बातें पर्दे में रखा करो, ये अपने घर की बातें किससे शेयर ना करा करो। और ख़ास करके मैं यहाँ आपको काम की बात एक और बताऊँ, हम शोभा से तो बिल्कुल ना किया करो, किसी मोड़ पर भी तन तंग कर सकता, हम शोभा आदमी से हम शोभा समझेंगे, ये साथ साथ बैठे हैं वेख लो, हम शोभा से घर की बात ना किया करो जो कल के लिए आपके लिए मसला बने। तो आपके लिए मैं और यही अर्ज करना चाहता हूँ
कि आप अपनी बीवियों के मामले में, भाइयों के मामले में, बहनों के मामले में, आप देखें, जब ये हमारे पाकिस्तान में मसला बहुत बड़ा है, मैंने देखा है कि माँ बाप इतनी मेहनत से जहेज बनाता है, और हम क्या करते हैं, हम अगर कोई डिवोर्स हो जाए तो फिर हम सामान नहीं उठाने देते, तो बुढ़ी ये बंदियाँ का तो ना ही एवें मशहूर, बेटा भाई प्लीज़ लाल शर्ट तवज्जो करो, ये पुत्रो तेनू की चमूने लड़न दया नहीं उदों दया तू ध्यान कर, मैं बड़ा पुत्र इस मामले से सीधा जे चैतान कर, हुण गल सुननी है ध्यान न, जितने ये बैठे हैं आप अपने जेहन में ये बात रख लें, हुण भाई बच्चे हुण गल ना करना, मैं ये चंद मिनटे बातें हैं इनको समझाना, इजाजत चाहता हूँ। माँ बाप इतनी मेहनत से जहेज बनाता है, इतने मेहनतों से जहेज बनाता है कि ज़िंदगी लग जाती है बाप की, और हम जो कब्ज़ा करके यार बैठ जो प्लीज़ यार खुदा दा ना जी, ऐस नुक्कर तो मैं बड़ा तंग हाँ, जिमें आपोजिशन लैब तो तंग है ना, ये तंग हाँ मैं, चुप कर पुत्र ध्यान कर मेरे, लो मेरा चन मेरा मखन, कितनी प्यारी बात की, अब मैं इधर ही हूँ, लव यू मेरा चन मेरे शाल, असल च सबूर साहब हैं, आपको कहना चाहिए मदनी साहब साढ़े वाल ध्यान इंज करो जिमें नैब अपोजिशन वाल ध्यान कर दी मेरा चन ने अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए, आपसे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ जितने बैठे हैं कि हमें चाहिए के महल्ले में इस तरह की कमेटियां बनाएं कि जिसकी बेटी घर से जा चुकी है तो ससुरालियों को पूरे महल्ले में एज ए नसीहत कहाँ के आइंदा को ऐसा काम ना करे, उनको बोले भाई इनका सामान दें वगरना सारा मोहल्ला आपसे बाइकॉट, और उनको भी बोलें कि ये कुरान है इस पर रख के आप सामान बताएं क्या लिया क्या दिया है। ये अदालतों में नहीं काम चलता, ये तीन तीन चार चार साल पाँच पाँच साल जहेज का फैसला नहीं होता, इसकी क्या वजह है कि वो कहते हैं हमने 60 लाख का सामान दिया, दूसरा कहता है जनाब ना कौडी भी नहीं सी दीती, तो अब जायसाहबान तो मजबूर है और वकला दोनों तरफ से हैं, तो खुदा के लिए वकला के लिए अगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपनी अपनी पार्टी को बताएँ कि बंदा शादी करके बह जाता है मामा पता क्या नहीं है साडा मुंडा तो नहाता धोता, ये औरत के लफ्ज़ बता रहा हूँ, औरतों के औरत को बर्बाद करने में 90% औरतों का हाथ है, 10% बंदियां दा जेड़े सारे बदनाम हुए फिर दे। मैं औरतों को भी पैगाम दूंगा सोशल मीडिया पे, ये चले जानी है तकरीर, मेरी बहनों खुदा के लिए अपनी अना निकालने के लिए तुम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत कर, तेरे बच्चे नू तेरे खामद तेरे बच्चे नू बीवी होर मिल जाएगी, तेरी बहू नू खामद होर मिल जाएगा, और बच्चिया नू मां नहीं मिलनी बाप नहीं मिलना उनके लिए बर्दाश्त, सारी ज़िंदगी मुसीबत ज़्यादा रहते हैं, ना उनको विरासत मिलती अच्छी, ना उनको अच्छी तलीम मिलती है। अल्लाह कहता मैं कुफर का निज़ाम बर्दाश्त कर लेता हूँ मगर जुल्म का निज़ाम नहीं बर्दाश्त करता। आज कितना जुल्म हो रहा है, आज कितने लोग हैं, किधर गया वो दौर पुराना, ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सपाइया दुध की चाह, तो हुण मोटर सड़ जाए ना, बंदा चाचे घर पानी भरन जाए दूजी बना बटन सुटे ना चाची वेख के लग पैंदी, ये साडा भी हुण पंप साड़ के ही सा लिया, अज चाचा भावें ना बोले चाची जरूर बोलेगी, पर हुण जदों दी तब्दीली आई चाचियां च भी तब्दीली आई है, हुण चाचियां डायरैक्ट नहीं बोलदियां, चाचे बोलो चाचियां डायरैक्ट नहीं बोलदियां, चाचे दे विच चाची बोलदी है, कई चुप बैठे ने कोई दाल च काला हैगा बई मत बोला करें, अगर हम खैरुकुम ले अहली अपने अहलो असार अहियाल अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो हम सोसाइटी में कैसा अच्छा बनेंगे, क्या सलूक करेंगे हम, तुसीं यह फ्रिज देखी, फ्रिज सारे ही देखी होएगी, फ्रिज ओनू पुत्र हाथ लावे माँ कुछ नहीं कहती, बेटी हाथ लावे कुछ नहीं कहती, दोतरा हाथ लावे नानी कुछ नहीं कहती, पोतरा हाथ लावे दादी कुछ नहीं कहती, जूनी 19 साल पुरानी फ्रिज बोलो 19 साल पुराने पाकिस्तान तो भी पुराने पाकिस्तान दी 19 साल 20 साल पुरानी फ्रिज जूनी दराणी जठानी दे बच्चे ने हाथ लाया नहीं तो उस वेले वे मर जाए गैस खारज हो गई वे गेट टुट गया वे बेड़ा ही गर्क हो गया, वो 19 साल च नहीं टुटी तो दराणी जठानी दे बच्चे दे एक करा हाथ लाने वाली बेड़ा गर्क हो, ये हमारे घरों का निज़ाम है। तो फिर हम बातें क्या करते हैं,
इस परचम के साए तले हम एक हैं। कटा एक गल्ला नाल सिर्फ तरानिया नाल हैं। इस परचम के साए तले क्या हम कलमे के साए के नीचे भी एक नहीं है? एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो, या ये शेर सिर्फ पढ़ने के लिए? करो मेहरबानी तुम्हारे जमीन पर खुदा मेहरबांगा, तो ये सिर्फ शेर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए? ये अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे, ना नूरी है ना नारी। हम अमल तो करते नहीं, बर्दाश्त कितनी है। मौला अली पाक शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हो, ये दमादे रसूल हैं और नबी करीम पे जब भी मुश्किल आई सबसे आगे अली शेर खुदा खड़े हुए। जहाँ भी हजूर ने कहा तो अली आगे खड़े हैं। वो मौला अली पाक शेर खुदा कहते हैं, मेरे बेटा मेरा कातिल कहाँ है? ये वकला बरादरी और जय साहबान ये सलूट के काबिल हो गए कि आप मुआशरे के लिए एक रोल मॉडल बने। और ये बात मेरी आगे भी पहुँचाएं कि जब आप जख्मी हो गए मस्जिद में तो बेटा पूछा, गर्मी बड़ी थी, बेटा मेरे कातिल कहाँ हैं? तो कहने लगे, बाबा वो तो रेस्ट कर लिए, गिरफ्तार है। तो कहा, बेटा ऐसे पसीना साफ किया अपनी पेशानी से, लिखने वाले ने लिखा है कि ऐसे पसीना साफ किया और खून जारी है जिस्म से, गर्मी बड़ी है। तो कहने लगे, बेटा आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे कातिल को मीठा पानी पिला के आओ। अब कुर्बान जाऊँ वो बच्चों पे कि बाबा कोई बेटा अपने बाप के कातिल को मीठा पानी पिलाए। 1 करोड़ रुपया इनाम देता हूँ, 10 मिलियन होते करोड़ में, कोई यहाँ से पूछे, मुहर्रम आ जाएंगे, अब सब बोलेंगे अली अली, रबी लवल आ जाएंगे, सब बोलेंगे।